एवरीवन, हम लोगों ने पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन को कवर कर लिया था और उसके बाद हमने पोर्टफोलियो की रिवीजन के चारों जो थ्योरीज थी वो भी कवर कर ली हैं। थ्योरीज लगा लीजिए या आप इसको मॉडल्स बोल लीजिए, जैसे शापे का रेशो, शापेज, ट्रेनर्स। उसके बाद हमने किया था डिफरेंशियल मेथड, जो जेंसन का मॉडल था। और लास्ट में हमने क्या किया था, डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मा। ये चार पार्ट्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो की रिवीजन के अंदर लिखने होते हैं। ये सबकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी और आई होप आप लोगों ने देख के उसको समझने की कोशिश की होगी। और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे रिपोर्ट बैक करिए, हम कोई और वे आउट निकाल सकते हैं उसको आप तक पहुंचाने का। आज मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होना है, दैट इज़ ऑप्शन। आपको वैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ाए जाएंगे SMO के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस के अंदर, पर जो हमारा टॉपिक है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएगा वो है ऑप्शंस, उसके मॉडल्स। हमें तो मॉडल्स तक ही करना है, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल डेरिवेटिव इजीली समझ आ सके। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन का मतलब आपको पता क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों के सामने कोई ऑप्शन रखती हूँ तो आप लोगों की मर्जी होती है, या तो आप उस ऑप्शन को ले लोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, चॉइस ऑफ टेकिंग और लीविंग, या उसको ले लो या उस ऑप्शन को छोड़ दो। नो बाउंडेशन टू सेल और बाय शेयर प्रियर टू एक्सपायरेशन, एक्सपायरी से पहले आपको उसको बेचना या खरीदना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, चॉइस है, या तो आप खरीद सकते हो या फिर आप बेच सकते हो। टेकिंग मतलब आप उस जो आपके सामने ऑप्शन आया है उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। लीविंग मतलब अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ रहे हो। बाउंडेशन नहीं होती इसमें सेल और बाय करने की, जो आपकी एक्सपायरी डेट आपको दी होगी उससे पहले आपको बेचना या खरीदना नहीं पड़ता, आपकी मर्जी होती है, आपका ऑप्शन खुद का होता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस, जिसके बेसिस पे हम उसको टेक या लीव या फिर हम उसको बाय या सेल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, होल्डर के पास एक राइट होती है टू बाय और सेल द एसेट। मैंने अभी आपको बोला था ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके पास एक चॉइस है, ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज प्राइस पे उसको खरीदे या बेचे। इसका मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहे, जबकि एक्सपायरी डेट उसको दे रखी है उससे पहले वो एक्सरसाइज प्राइस के मुताबिक उसको बेच या खरीद सकते हैं। ऑप्शंस आपके जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है आपका पुट ऑप्शन। सबसे पहले बात करेंगे कॉल ऑप्शन। कॉल, आप किस चीज को बुलाते हो, मंगवाते हो, जो चीज आपके पास नहीं है। इसका मतलब कॉल ऑप्शन बेसिकली किस चीज पे काम करेगा, बाइंग ऑफ शेयर्स पे। आपके पास नहीं है, आप उसके लिए कॉल कर रहे हो। जैसे मेरे पास कोई एक चीज नहीं है और मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोल रही हूँ कि यार मुझे ये दे दे, इसका मतलब मैं उसे बोरो कर रही हूँ, उसे ले रही हूँ। कॉल ऑप्शन हमेशा क्या करता है, बाय करता है। पुट ऑप्शन, पुट मतलब जो चीज आपके पास ऑलरेडी होगी उसी को आप रखोगे ना किसी के सामने, तो पुट ऑप्शन क्या करता है, सेल। आपके पास जो ऑप्शंस पड़े हैं आप उसको बेच रहे हो सामने वाले बंदे को। यहां आप ऑप्शंस खरीद रहे हो कॉल ऑप्शंस में, और पुट ऑप्शंस में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब इसके अंदर ना दो प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, जो हमने भी बोला था चॉइस ऑफ टेकिंग और लीविंग, उसके बारे में आपको क्लियर कर रही हूं। If you choose to buy now, अगर आप अभी खरीदने का सोच रहे हैं या अभी ट्रांजेक्शन करने का सोच रहे हैं, खरीदना है या बेचना है वो आपकी मर्जी है। You can miss the opportunity to buy later, maybe at lower price. अगर आप आज ही खरीद लेंगे तो हो सकता है कल उसके रेट गिर जाएं और आपको वो कम रेट में मिल जाए, आप वो वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, चॉइस ऑफ टेकिंग, अभी उस ऑप्शन को ले रहे हैं। फिर है चॉइस ऑफ लीविंग, अभी आप उसको छोड़ रहे हैं, अभी नहीं खरीद रहे हैं उस ऑप्शन को, तो क्या होगा, अगर आप अभी नहीं खरीद रहे या बाद में खरीदने का सोच रहे हो तो एक रिस्क हो सकता है, प्राइस राइज भी तो हो सकते हैं। अगर यहाँ पे लो प्राइस भी हो सकते हैं तो यहाँ प्राइस राइज के भी तो चांसेस हैं। आपने सोचा कि आज नहीं खरीदूंगी कल खरीदूंगी, तो कल को रेट उसका बढ़ भी तो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब है प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ऑप्शन, किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके एक्सरसाइज प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे, एंड स्पॉट प्राइस और द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। दोनों में फर्क बता देती हूँ। एक्सरसाइज प्राइस होता है किस प्राइस पे आप उसको खरीदोगे या बेचोगे। स्ट्राइक करते हैं ना हम, स्ट्राइक कब करते हैं, जब हमें लगता है कि गोटी अंदर चली जाएगी तब, तो हम एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस उसको मानते हैं। स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में आज उसका रेट क्या है, किस रेट पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन मुझे अवेलेबल हो रहा है। और एक्सरसाइज क्या होता है, मैं कितने में उसको खरीदूंगी या बेचूंगी।
अब वो कहता है ऑप्शन कब लिया जाएगा या क्या कहा जाएगा उस ऑप्शन के बारे में, एक ऑप्शन प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसको क्या बोला जाता है, इन द मनी। एक टर्म है ये, इसको बोला जाता है, इसका मतलब आपको ये पता लग जाता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑप्शन जो है वो प्रॉफिटेबल है, लॉस में है या कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। अगर वो प्रॉफिटेबल होगा तो आप उसको बोलोगे मेरा जो ऑप्शन था दैट इज इन द मनी, अगर लॉस हो रहा है तो दैट इज आउट ऑफ मनी। इन द मनी का मतलब जो मैंने सोचा था उतने पैसों के अंदर अंदर है, आउट ऑफ मनी लॉस हुआ मैंने सोचा था नहीं हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस एट द मनी, जितना सोचा था उतना ही है, ना उसमें कुछ बढ़ा ना उसमें कुछ कम हुआ। अब आता है कॉल ऑप्शन प्रॉफिटेबल कब होगा। कॉल ऑप्शन क्या था, बाय करने वाला, अब आपको खरीदना है, खरीदना आपको प्रॉफिटेबल कब होगा, जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगा और आपका एक्सरसाइज प्राइस जो है वो कम होगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या था, जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं किस रेट पे लूंगी, वो तो है मान लो 100 रुपये और मार्केट में आज उसकी रेट चल रहे हैं 120, तो मैं तो 100 रुपये में खरीदूंगी उसको, खरीदूंगी और बेचने में 20 रुपये का अंतर मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा कॉल ऑप्शन जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसके बाद है अब व्हेन द सिचुएशन अकर्स ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी एट दैट टाइम। इन द मनी का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिटेबल है। कब प्रॉफिटेबल है, मैंने सोचा था कि मैं 100 रुपये का खरीदूंगी और आज मार्केट में उसका रेट जो है वो 120 चल रहा है, तो मैं उस 100 रुपये में उसको खरीद सकती हूँ और 120 रुपये में उसको बेच सकती हूँ, तो 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए प्रॉफिटेबल है। अब इसके बाद आपको बताऊंगी कि पुट ऑप्शन कैसे आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। पुट ऑप्शन तब प्रॉफिटेबल होगा जब आपका एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या था आपका, मान लो 100 रुपये और इस टाइम पे मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है, 80, तो आपने जो सोचा था वो ज्यादा है और जो मार्केट में चल रहा है वो कम है, तो आप उसको आराम से बेच सकते हो। पुट ऑप्शन मतलब जब सेल कर रहे हो, हम 100 रुपये का बेचने का सोच रहे हैं या एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये होते ही मैं उसको बेचूंगी और मार्केट में इस टाइम पे 80 है, तो फायदा मुझे कब होगा, दैट इज जब भी वो 100 पे पहुंच जाएगा। इस सिचुएशन को भी हम क्या बोलेंगे, इन द मनी एंड प्रॉफिटेबल फॉर पुट ऑप्शन इन्वेस्टर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर आ जाए, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों प्रॉफिटेबल है। एक्सरसाइज प्राइस होता है किस प्राइस पे हम उसको खरीदेंगे या बेचेंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। और मार्केट प्राइस क्या है, जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, मेरा एक्सरसाइज प्राइस था 100 और मार्केट में क्या चल रहा है 80, तो मेरे लिए तो फायदा ही है ना, मैं उस एक्सरसाइज प्राइस पे ही रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ। तो ऑप्शन में बेसिकली आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, एक एक्सरसाइज प्राइस को आप सेट करते हो और उसके बेसिस पे ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो सामने वाले बंदे को भी आप एक्सरसाइज प्राइस पे ही देते हो। मार्केट प्राइस सिर्फ आपका ये बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब आपको जो ऑप्शन की प्राइसिंग है उसको डेवलप करने के 2 मॉडल्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो दोनों मॉडल्स हम कवर करेंगे। पहला है आपका द ब्लैक शोल्स मॉडल, ब्लैक शोल्स मॉडल है, और दूसरा है आपका बाइनोमियल मॉडल। अभी मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है। अब हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं जो रह गए, एक है आपका ब्लैक शोल मॉडल, लास्ट है आपका बाइनोमियल मॉडल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 वीडियोस में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि उनको रिवीजन करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो बेसिक रिवीजन करना चाह रहे हैं। आप लोग मुझे डिसाइड करके बता देना, जो बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उन लोगों के लिए व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकती हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो या तो हम जूम पे ले लेंगे या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे वो चीज़ क्लियर कर दूंगी। ब्लैक शोल मॉडल को अभी स्टार्ट नहीं करती, अगर अभी स्टार्ट करूंगी तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे और मुझे ये चीज़ दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि ऑप्शन होता क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको इन सब की डेफिनेशंस या अलग से आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, बस आप लोग मुझे एक बार रिस्पॉन्ड बैक कर देना कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है नहीं हुई है। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, बाहर नहीं निकलें, केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं हमारे इंडिया में, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सब लोगों को, आप लोग हमारा फ्यूचर हैं, हमारी सोसाइटी हैं। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लैक शॉल का मॉडल और उस लास्ट वीडियो में हम करेंगे बाइनोमियल मॉडल। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।